हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी आज अपन सीखते हैं कि कंप्यूटर में जो हिंदी का फॉन्ट है वो किस प्रकार से डाला जाता है, जिससे कि अपन अपने कंप्यूटर में आसानी से हिंदी को टाइप है वो कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, या तो अपने पास इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए हिंदी के फॉन्ट होने चाहिए, या फिर कोई भी मिलेगी अपने ड्राइव है, जैसे हमारे कंप्यूटर में लोकल डिस्क होती है उसमें कोई ड्राइव फोल्डर में या पेन ड्राइव में या फिर सीडी में वो हिंदी का फॉन्ट है वो पहले से डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही हम उनको अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो जैसे मेरे कंप्यूटर में अभी क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जो हिंदी के फॉन्ट है वो पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो अब सबसे पहले अपन उस फोल्डर पर चलते हैं जहाँ पे जो हिंदी के फॉन्ट है वो रखे हुए हैं। तो मैंने रख रखे हैं कंप्यूटर में जो लोकल डिस्क ई है, ई के अंदर सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे जो आपको दिख रहा फॉन्ट्स, यहाँ पे मैंने हिंदी के फॉन्ट है वो रख रखे हैं। अभी यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करना है तो मेरे दो तरीके से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो अपन यहाँ से जो ऑर्गेनाइज है इसमें जाके सेलेक्ट ऑल करेंगे, या फिर क्या अपन कंप्यूटर से डायरेक्ट कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर से डायरेक्ट भी अपन इनको सेलेक्ट है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, अपने को कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस करना है, मतलब कंट्रोल ए, इसका अर्थ होता है सेलेक्ट ऑल, मतलब जितने भी फोल्डर में आइकन बने हुए हैं या फिर जो भी फाइल है सारी एक साथ है वो सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद में करना है अपने को इसको कॉपी। तो कॉपी करने के लिए या तो जैसे सेलेक्ट ऑल किया हुआ था, इस कॉपी करने के लिए या तो ऑर्गेनाइज में जाओ यहाँ से कॉपी करो, या फिर अपने जो कंप्यूटर कीबोर्ड है उससे अपन कंट्रोल सी के द्वारा भी कॉपी कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज में जाके यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद में अपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर में जो कंट्रोल पैनल है उसके अंदर अपने को जाना है। तो अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद में स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट में कंट्रोल पैनल को खोलते हैं, और कंट्रोल पैनल के अंदर जो ये आ रहा फॉन्ट्स, अभी तो ये फॉन्ट्स दिखा रहा है। कई बार क्या होता है कि जो ये लिस्ट है ये इस तरह से आती है, मतलब जो आइकन होते हैं वो अपने को इस तरह से दिखाई देते हैं, जिससे कि अपने को जो फॉन्ट्स का ऑप्शन है वो या जो फॉन्ट्स का जो फोल्डर है वो अपने को दिखाई नहीं देता है। तो उसके लिए क्या करना है, व्यू बाय के सामने जो कैटेगरी है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे लार्ज आइकन्स पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में जो फॉन्ट्स है इस पर क्लिक करना है, और फॉन्ट्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे उन फॉन्ट्स को पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ वी दबाओ, और कंट्रोल के साथ अगर वी नहीं दबाते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद में पेस्ट है इस पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। जैसे पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ये कहता है कि कुछ फॉन्ट्स हो आपके कंप्यूटर में पहले से डले हुए हैं। मैंने क्या कर रखा है, कंप्यूटर जो फॉन्ट्स हो बहुत ज़्यादा मात्रा में है वो डाउनलोड कर रखे हैं, तो कुछ क्या है कंप्यूटर में पहले से डाउनलोड है वो रहते हैं। उसके लिए अपने को यहाँ पे क्लिक कर देना है डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स, और इसको यस कर देना है। जैसे यस करोगे तो अपने जो फॉन्ट्स वहाँ से फॉन्ट के नाम जो फोल्डर था उसमें से कॉपी किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। पेस्ट होने के बाद अपने क्या करना है, कंट्रोल पैनल को क्लोज कर देना है। क्लोज करने बाद अभी अपने को चेक करना है कि अपने कंप्यूटर में जो हिंदी के फॉन्ट डाले थे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर में कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, तो उसको खोलने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो शुरू में जैसे अपन यहाँ पे टाइप करते हैं तो इंग्लिश में टाइप हो रहा है, जो भी लिखते हैं इंग्लिश में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो जो फॉन्ट है ये है वो अभी इंग्लिश का सिलेक्ट है। तो अपन को क्या करना है, हिंदिया करना है। तो हिंदिया करने के लिए या तो यहाँ पे अपन लिख लीजिए, जैसे हिंदी के दो मुख्य फॉन्ट आते हैं, एक आता है कुरुती देव और एक आता है देवली। तो जैसे या तो अपन डी ई वी दबाते हैं तो देवली 10 आ गया, इसके ऊपर इसको एंटर किया, अब कुछ भी लिखेंगे तो वो हिंदी में लिखा जाएगा। या फिर दूसरा जो हिंदी का फॉन्ट आता है वो कुरुती देव, तो कुरुती देव के लिए KRU, जैसे KRU लिखो, ये कुरुती देव 10 आ गया, एंटर कर लो। एंटर करने बाद में लिख सकते हो अब ये हिंदी में लिखा जा रहा है। इस तरह से अपन है वो अपने कंप्यूटर में जो हिंदी के फॉन्ट होते हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर यहाँ से वो टाइप है वो कर सकते हैं।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।